प्रोफेसर मनोज कुमार झा। वाइस चेयरमैन सर, थैंक यू। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, मैं पूरे शिद्दत के साथ इस बिल के समर्थन के मैं खड़ा हूं। नहीं, तीसरी बार मैं मंत्री जी को प्रसन्न भी देखना चाहता था और सजग भी देखना चाहता था मंत्री जी, क्योंकि झारखंड के सबसे मायूस कद्दावर नेता, मासूम, नहीं, मैं इनकी हैविंग सपोर्टेड द बिल, सर इनकी मोहब्बत है, लेकिन मैं क्या कहूं, मैं हैविंग सपोर्टेड द बिल सर, मैं कुछ चीजें जो मेरे कई सहयोगियों ने कही, मैं उस बात को सामने रखता हूं, क्योंकि अक्सर प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट में इन दिनों बचा नहीं है कि कॉलिंग अटेंशन हो या कोई और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो। महोदय, अगर आप गौर करें, बीते कुछ वर्षों और कुछ महीनों में कई सारी फेलोशिप खत्म कर दी गई, और उन फेलोशिप के खत्म होने का नतीजा क्या होता है सर, सबसे ज्यादा इन वंचित वर्गों पर पड़ता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और अन्य जातियों के गरीब लोग। ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में मैंने खुद मंत्री जी को लिखा, कई दफा बातें उठाई। छोटा सा तर्क है कि भारत की संस्कृति, भारत की जाति व्यवस्था को समझने के लिए विदेश में क्यों अध्ययन करेंगे साहब, यहां तो माहौल ही नहीं अध्ययन का, सेकेंडरी सोर्स वहां काफी कुछ है, आर्काइवल मटेरियल है, और अगर आप इन चीजों से लोगों को महरूम कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपका रेटोरिक है विश्व गुरु बनाना, आप असल में विश्व गुरु बनने की ओर नहीं अग्रसर होना चाहते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आई ऑल्सो थॉट ऑफ ब्रिंगिंग इन समथिंग विच इज वेरी फंडामेंटल टू आर कोर डिस्कशन दीज डेज, एंड वेयर डीएमके एंड राष्ट्रीय जनता दल शेयर ए यूनिफॉर्म थ्रेट, यूनिटी, थ्रेड ऑफ यूनिटी, एंड आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली कि हमारे भाजपा के कई साथी भले सामने ना कहें, उनके अंदर भी ये मनोभावनाएं गाहे बगाहे जागृत होती रहती हैं। सर, बीते दिनों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, फैसला स्प्लिट था, स्प्लिट फैसले में कई संभावनाएं होती हैं, कई भविष्य के लिए प्रतिबद्धताएं उसमें छुपी हुई होती हैं, लेकिन हमारा आशय यहां दो चीजों से, माननीय मंत्री महोदय आपसे इसलिए अपील कर रहा हूं कि आपके अंदर कम से कम इन वर्गों और समूहों के लिए, बावजूद कि इकोसिस्टम आपके समर्थन में नहीं है, आपके अंदर एक दर्द है, मैं कई वर्षों से जानता हूं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब इंदिरा साहनी जजमेंट या बालाजी जजमेंट रिडंडेंट हो चुका, गैर प्रासंगिक हो चुका, और चूंकि ये गैर प्रासंगिक हो चुका और सीलिंग की बात खत्म हो गई, जब मंडल कमीशन वॉल्यूमिनस डेटा के साथ आया था तो 52% ओबीसी की आबादी तय की गई थी, ये पीसमिल लेजिस्लेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर 52% को सिर्फ 27% में इसलिए महदूद किया गया क्योंकि सीलिंग का मामला था, टोटल होना था 49.5। अब जब सीलिंग खत्म हो गई है, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, इमीडिएटली द गवर्नमेंट शुड गो फॉर 52% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कम्युनिटीज इमीडिएटली। अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो आपके मनसा वाचा कर्मणा में फर्क है। और दूसरी बात, इमीडिएटली गो सब्सिक्वेंटली फॉर कास्ट बेस्ड सेंसस। सर, ये जो जातिगत जनगणना की कितनी आवश्यकता है, इस देश में कई मिथक तैर रहे हैं, मिथ्स हैव एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड हिस्ट्री और इवन फैक्ट्स, इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे दल का लगातार पोजीशन रहा है, हमने सदन में रखा है, हमने बिहार में, हमने इस पर राज्य के स्तर पर, और मैं धन्यवाद दूं भाजपा भी हमारे साथ है, अगर बिहार की भाजपा हमारे साथ है तो देश की भाजपा क्यों अलग है। आप देश के स्तर पर जातिगत जनगणना में जाइए ताकि ये पता चले कि यहां बाहर मूंगफली बेचने वाला कौन है, ट्रैफिक लाइट्स पे भारत का झंडा बेचता है दिन में 10-20, वो कौन है बच्चा, किसका बच्चा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब तक आपके पास ये वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होंगे तब तक आपकी नीति और नियत दोनों में खोट रहेगा, और हम विपक्ष में इसलिए ऐसा नहीं कह रहे, हम चाहते हैं, हम आपको इलेक्ट्रली हराना चाहते हैं,
लेकिन हम आपको रिडिक्यूल नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं, अगर संविधान की शपथ ली है तो प्रस्तावना की पंक्तियों के अनुकूल आप जातिगत जनगणना में फौरी तौर पर जाइए, तब तक 52% आरक्षण सुनिश्चित करिए ओबीसी के लिए, और अंबेडकर साहब की मूर्ति पर जब माल्यार्पण करिए ना, तो कम से कम अंबेडकर साहब की कुछ बातों को अंतर मन में ग्रहण भी कीजिए। माल्यार्पण सबसे आसान क्रिया है, अंतर मन में ग्रहण करने में आपकी बहुत सारी बाध्यताएं जो वैचारिकी से आती हैं, पश्चिम के एक नगर से, वो पश्चिम भारत के एक नगर से वो दूर होंगी। जय हिंद सर, धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर मनोज। ऑनरेबल